हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी भटनेर। आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। एग्रीकल्चर चैप्टर यानी कि कृषि जो हमारा चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने कुछ फसलों के बारे में स्टडी किया था। कुछ जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि जो कुछ फसलें जो हमारी बच गई थी, उनको आज हम कवर करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं शुगर केन यानी कि गन्ना की फसल से। गन्ना की फसल की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरह के रीजन के अंदर पाई जाने वाली फसल है। क्लाइमेट हम देखें तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट यानी कि गर्म और आर्द्र जो जलवायु है इसको ज़रूरत होती है। टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस की इसको ज़रूरत होती है। और रेनफॉल की अगर हम बात करें तो 75 से 100 सेंटीमीटर का जो रेनफॉल है इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। इंडिया की पोजीशन की हम बात करें तो ये सेकंड नंबर पर आता है और फर्स्ट नंबर पर आता है ब्राजील, यानी कि ब्राजील के बाद जो इंडिया है शुगर केन प्रोडक्शन में सेकंड पोजीशन गेन करता है। इसके अलावा इंडिया के अंदर हम देखें तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, ये सब स्टेट्स जो हैं ये गन्ना प्रोडक्शन में अग्रणी है यानी कि लीड करती हैं। ऑयल सीड्स यानी कि जिन बीजों से हम तेल निकालते हैं, तिलहन की फसल जिन्हें हम कहते हैं, तो उनके प्रोडक्शन में जो इंडिया है वो लार्जेस्ट पोजीशन यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है लार्जेस्ट प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही होता है। टोटल एरिया का यानी कि टोटल जो सोन एरिया है उसका 12% पर जो ऑयल सीड्स है यानी कि तिलहन की जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं। तिलहन की फसलों में मेनली बात करें जैसे सरसों, मूँगफली, अलसी, कैस्टर या तिल जिसमें हम कहते हैं, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सिसम, सोयाबीन, कैस्टर ऑयल, सनफ्लावर, ये सब जो चीज़ें हैं तिलहन की फसलें आती हैं यानी कि इनके बीजों से तेल निकाला जाता है। यहीं पर हम ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली की बात करें तो ये खरीफ सीजन की फसल है। सीजन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था खरीफ, रबी एंड जायद तीन तरह की फसलें हैं। तो मूंगफली यानी कि ग्राउंडनट जो है ये खरीफ सीजन की फसल है। 50% जो प्रोडक्शन है इसका यहाँ पर किया जाता है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, इसके बाद तमिलनाडु, गुजरात एंड कर्नाटका, इन स्टेट्स में भी मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। लिनसीड्स एंड मस्टर्ड, लिनसीड्स एंड मस्टर्ड की अगर हम बात करें तो ये रबी सीजन की फसल है और महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं। सिसमी यानी कि तिल की हम बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ये खरीफ सीजन के अंदर बोई जाती है और वहीं सदर्न साउथ इंडिया के अंदर ये रबी सीजन के अंदर उगाई बोई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सिसमी जो है खरीफ और रबी दोनों ही सीजन की फसल ली जाती है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में खरीफ सीजन में ली जाती है और साउथ इंडिया में ये रबी सीजन के अंदर ली जाती है। कैस्टर यानी कि अलसी की अगर हम बात करें तो ये भी दोनों तरह की खरीफ और रबी दोनों सीजन की फसलों में लिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कॉफ़ी की तो 4% जो है वर्ल्ड का प्रोडक्शन में इंडिया शेयर करता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड की 4% जो कॉफ़ी है वो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। अराबिका जो क्वालिटी है कॉफ़ी की वो यमन से लाई गई कॉफ़ी है। बाबूबुदान हिल्स से शुरुआत की गई थी। नीलगिरी कर्नाटका के अंदर, केरला, तमिलनाडु, ये सब जो इलाके हैं जहाँ पर कॉफ़ी प्रोडक्शन खास तौर पर किया जाता है। हॉर्टिकल्चर यानी कि फूलों फलों सब्जियों की खेती बाड़ी जिसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर, उसकी अगर हम बात करें तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है। विश्व की वर्ल्ड की 13% जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, उनका उत्पादन प्रोडक्शन भारत में किया जाता है। अब कुछ फ्रूट्स के बारे में हम बात करें कि स्पेशली कहाँ कहाँ के फ्रूट्स फेमस हैं, हालांकि हमें इससे बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। जैसे मैंगोज, आम की हम बात करें तो महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश, यूपी और वेस्ट बंगाल, यहाँ के आम जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। ऑरेंजेस की हम बात करें तो नागपुरी संतरा हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा मेघालय का जो चेरापूंजी इलाका है यहाँ के ऑरेंजेस भी बहुत मशहूर हैं। केले की हम बात करें तो केरला, मिजोरम, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ये इलाके प्रोड्यूस करते हैं। लीची और गुआवा की अगर हम बात करें, गुआवा यानी कि अमरूद की अगर हम बात करें तो यूपी और बिहार के अंदर इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा किया जाता है। पाइनएप्पल्स यानी कि अनानास जो है वो मेघालय के अंदर खेती बाड़ी इसकी की जाती है। ग्रेप्स, अंगूरों की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकोट्स, वॉलनट्स यानी कि आड़ू या खुबानी, अखरोट, इन सब की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल प्रदेश के अंदर इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ये कुछ फ्रूट्स से जो हमने अलग अलग एरियाज में कहाँ कहाँ खास इनकी पैदाइश की जाती है, पैदावार की जाती है, उसके बारे में हमने स्टडी किया। हॉर्टिकल्चर के बाद अगर हम फाइबर्स की बात करें, इनकी रेशेदार फसलों की बात करें तो कॉटन, जूट,
हेम्प यानी कि पटसन या सिल्क, ये सब जो है रेशेदार फसलों में काउंट की जाती हैं। तो सबसे पहले हम कॉटन की अगर हम बात करें तो कॉटन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है इंडिया की पोजीशन है, यानी कि वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर होता है। ब्लैक सॉइल जो है इसके लिए अच्छी सॉइल मानी जाती है। ब्लैक सॉइल अब हमें कहाँ मिलती है, डेक्कन एरियाज़ के अंदर, डेक्कन प्लेटू का जो रीजन है वहाँ पर हमें मिलती है, तो मुख्यतः वहाँ पर ये कॉटन उगाई जाती है। क्लाइमेटिक कंडीशंस की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और कम रेनफॉल की से ज़रूरत रहती है। वहीं हम देखें तो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज यानी कि कोहरा नहीं हो लगभग इतने दिन, हमें 210 दिन हमें इसका पकने के लिए तैयार होने के लिए हमें चाहिए होते हैं। 6 से 8 हफ्तों में जो ये फसल है पककर तैयार हो जाती है, 6 to 8 weeks जो है ये पककर तैयार हो जाती है। एरिया वाइज अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, अब डेक्कन का जो रीजन है उस रीजन में कौन कौन से इलाके आ जाते हैं, महाराष्ट्र की हम बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, और ऊपर की तरफ हम जाएं कुछ इलाकों के अंदर पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर भी जो है हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। तो जहाँ जहाँ हमें ब्लैक सॉइल मिल रही है वहाँ वहाँ हमें कॉटन का प्रोडक्शन मिल रहा है। दूसरी रेशेदार फसल की हम बात करें जूट, जिसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, तो ये वेल ड्रेन्ड सॉइल यानी कि जो मिट्टी में मिट्टी जो है पानी पूरा सोख लेती है, ड्रेन कर लेती है, उस तरह की सॉइल में, वेल ड्रेन्ड सॉइल के अंदर जूट उगाया जाता है। स्टेट वाइज हम देखें तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय, ये स्टेट्स हैं जहाँ पर जूट का मुख्यतः उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा हेम्प की हम बात करें, हेम्प जिसे हम पटसन कहते हैं, या सिल्क की हम बात करें, सिल्क का प्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं जिसे हम सेरिकल्चर कहते हैं, ये हम पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं अपने वीडियोस के अंदर, जहाँ पर सिल्क के जो कीड़ा है उसको मलबेरी यानी कि शहतूत के पेड़ पर उगाया जाता है और फिर धीरे धीरे पूरी प्रोसेसिंग के थ्रू सिल्क प्राप्त किया जाता है। तो जिस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। इसके बाद हम बात करें रबर की, जो रबर की फसल है इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी कि इक्वेटर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर ये फसल हमें मुख्यतः मिलती है। तो इक्वेटर के आसपास इलाकों, मतलब वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्ल्ड में पोजीशन की बात करें तो इंडिया जो है 5th पोजीशन पर आता है रबर उत्पादन के अंदर। टेम्परेचर या क्लाइमेटिक कंडीशन की हम बात करें, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड यानी कि आद्र नमी वाला जो क्लाइमेट है इसके लिए ज़रूरत रहती है। रेनफॉल हम देखें तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा का रेनफॉल इसे चाहिए। और टेम्परेचर की हम बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से अबव यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर की इसको ज़रूरत रहती है। स्टेट वाइज हम देखें तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और गारो हिल्स जो मेघालय के अंदर है यहाँ पर जो है ये फसल उगाई जाती है, रबर की फसल ली जाती है। तो ये हमने रबर और फाइबर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। अभी तक कुछ फसलों के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन सी फसलें पर्टिकुलर किस क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर और किन किन स्टेट्स के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं। अब हम बात करते हैं रीफॉर्म्स की, यानी कि हमने देखा कि कुछ फसलों में जो भारत है अग्रणी पोजीशन है, यानी कि डोमिनेट करता है, बहुत लीड करता है प्रोडक्शन में, लेकिन फिर भी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं जहां पर एग्रीकल्चर प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहा। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो 1/3 इकोनॉमी है हमारी वो एग्रो बेस्ड है, यानी कि लगभग 50% से ज़्यादा, 60% के करीब जो है पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी हम एग्रीकल्चर को आज की कंडीशन में, आज के कंटेक्स्ट में हम देखें तो उतना डेवलप यहाँ पर नहीं मिल पा रहा। नॉर्मल सी अगर हम बात देखें तो एक किसान कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा किसान ही बने। वो क्यों ऐसा पोजीशन है, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं सरकार के द्वारा, सुविधाओं की हम बात करें तो प्रॉपरली मैनेजमेंट ना होने की वजह से वो सुविधाएं किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि आज़ादी के बाद से जो है किसान खेती बाड़ी के अंदर किसानों की सुविधा के लिए या एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए क्या क्या योजनाएं शुरू की गई। तो सब पहले हम देखें, अगर हम आज़ादी से पहले की हम बात करें तो वहाँ की कंडीशन को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि उस समय जमींदारी प्रथा जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी और ज़मींदार जो थे वो क्या करते थे, ज़मीनों के ऊपर टैक्स जो लगान है बहुत ज़्यादा वसूला करते थे। तो सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई, 5-year plan जो पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई, वहाँ पर ज़मींदारी प्रथा का जो है अबॉलिशन यानी कि उसको समाप्त किया गया। उसके बाद जो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स है यानी कि जो जोतों की चकबंदी, देखिए क्या होता है जब ज़मीन है आगे पैतृक जो ज़मीन होती है वो अब जब आगे के बच्चों में यानी कि आगे वाली जनरेशन में बढ़ती है तो जोत का जो साइज़ है इनकी ज़मीन का जो आकार है वो बढ़ते 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 बहुत छोटा हो जाता है। तो सबसे पहले जो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग है उसको इम्प्रूव किया गया। कॉपरेशन यानी कि सहयोग के द्वारा सहकारी समितियाँ बनाई गई जिसके सहयोग से एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया।
इसके बाद हम देखें ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन, यानी कि हरित और श्वेत क्रांति, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है यानी कि HIV सीड्स को यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, श्वेत क्रांति यानी कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, लेकिन ये जो था कुछ लिमिटेड एरिया में ही सक्सेसफुल हो पाई, इसलिए इसका जो बेनिफिट है हमें वास्ट लेवल पर देखने को नहीं मिला, कुछ ही एरिया में हमें नजर आया। इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस यानी कि मौसम की वजह से या किन्हीं भी कारणों की वजह से फसल का जब नुकसान हो जाता है तो किसानों को उसका मुआवजा दिया जाने लगा, या क्रॉप इंश्योरेंस की हम बात करें, फसल बीमा लोगों के लिए, किसानों के लिए उपलब्ध करवाया गया। पेस यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को भी किसानों की मदद के लिए इंप्लीमेंट किया गया। ग्रामीण बैंक खोले गए ताकि गांवों के अंदर ही किसानों को जो लोन वगैरह की फैसिलिटीज है वो प्रॉपरली अवेलेबल करवाई जा सके। KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना को इंप्लीमेंट किया गया। ग्राम स्वराज, गांधी जी के समय की अगर हम बात करें तो उन्होंने ग्राम स्वराज यानी कि गांवों को गोद लेकर के उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना शुरू किया। इसी सीरीज में जो विनोबा भावे थे, इन्होंने ग्राम दान जो या भूदान, सबसे बड़ा दान जिसे कहा गया, उस क्रांति को, रिवोल्यूशन को चलाया, जिसे ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। ब्लडलेस रिवोल्यूशन यानी कि यहाँ पर जो जिनके पास बहुत अच्छी जमीन होती थी वो गरीब किसानों को अपनी जमीन दान में दे देते थे, तो इसे भूदान, ग्रामदान कहा गया, जो विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था, जिसे ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी कहा गया। जैसा कि हम इंडियन इकोनॉमी को एग्रो बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि 60% से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो एग्रीकल्चर का हमारे इकोनॉमी में, देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं जो GDP है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर जो शेयर है एग्रीकल्चर का, वो लगातार क्या है, डाउन जाता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि पीछे जैसे अभी हमने कुछ समस्याएं पढ़ी, जो किसान हैं उनको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या जो सरकारी योजनाएं हैं वो किसानों तक प्रॉपर वे में पहुंच नहीं पाती हैं, इस वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इकोनॉमी के अंदर जिसका शेयर है वो कम होता जा रहा है। अब एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो लेबरर 50% से ज्यादा, लेबरर को इंक्लूड करते हुए हम देखें तो बहुत सारे लोग जो है इनको एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के अंदर मिलता है, तो इस तरीके से इकोनॉमी के अंदर एक मेजर रोल प्ले करती है। अब हम बात करते हैं ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि भारत में खेती बाड़ी, कृषि से संबंधित मुद्दों के ऊपर शोध के लिए क्या किया गया, काउंसिल बनाया गया है जिसे हम ICAR कहते हैं। ये काउंसिल जो रिसर्च करता है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर कि किस तरीके से इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, या इकोनॉमी के अंदर GDP जो इसकी डाउन जा रही है इसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, किन तकनीकों को यूज करके। इसी तरीके से वेटनरी सर्विसेज यानी कि पशुओं के लिए जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ताकि एग्रीकल्चर के साथ साथ जो डेयरी फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग को भी बढ़ाया जा सके। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करी जा रही है, विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं ताकि प्रॉपर एग्रीकल्चर के बारे में लोगों को एजुकेट किया जा सके और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और इकोनॉमी को सुधारा जा सके। हॉर्टिकल्चर जैसा कि आपने पढ़ा तो इनके डेवलपमेंट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो खोले जा रहे हैं, ताकि प्रॉपर स्टडी के साथ, एजुकेशन के साथ, देखिए हम सभी जानते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करके चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ खोली जा रही हैं ताकि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या डेयरी फार्मिंग है इन सबको बढ़ाया जा सके। हालांकि सरकार बहुत सारे जो योजनाएं चला रही हैं, जैसा भी हमने किसान क्रेडिट योजना पढ़ा या पेस हमने पढ़ा या हमने ICAR को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज हैं, कुछ मुद्दे हैं जो एग्रीकल्चर का जो रोल है GDP के अंदर जो डिक्लाइन हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो वो इश्यूज़ क्या क्या हैं? सबसे पहले तो इंटरनेशनल कंपटीशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए अगर हम कंपेयर करें बाहर के देशों के किसान का और इंडिया के किसान का, तो बहुत फर्क नज़र आता है। हमारा किसान बेचारा पूरे दिन धूप में या सर्दी, क्योंकि इस मौसम में सर्दी में तपता है, और क्योंकि लेबरर नहीं है, किसान को खुद को इन्वॉल्व होना पड़ता है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहा। वहाँ बाहर के देशों में हम देखें तो हम देखते हैं जैसे हेलीकॉप्टर्स के थ्रू या प्राइवेट जेट्स हैं लोगों के पास में, उनके थ्रू क्या की जाती है, सीडिंग की जाती है। हमारे यहाँ भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है। तो ये छोटे से एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि कितना फ़र्क है हमारे और दूसरे देशों के एग्रीकल्चर के अंदर। और इसके अलावा जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हम उस कंपटीशन लेवल तक पहुँचने में अभी बहुत पीछे रह रहे हैं। डिक्रीज इन सब्सिडीज़ यानी कि जो सहाय की, जो सरकार सब्सिडीज़ देती है उनको धीरे धीरे कम किया जा रहा है।
डिक्रीज इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो आयात कर है वो भी धीरे धीरे कम कर दिया जा रहा है, जिससे इंटरेस्ट जो है लोगों का इसमें कम होता जा रहा है। फार्मर्स जो है वो पूंजी निवेश जो है एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो कम करते जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी जो सरकार है वो धीरे धीरे कम करती जा रही है। तो इन्हीं सभी समस्याओं के कारण जो एग्रीकल्चर जो हमने पढ़ा है कि जीडीपी के अंदर जो इसका शेयर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, वो इन्हीं सब मुद्दों के कारण हो रहा है। तो अब हमें ज़रूरत है कि हमारी जो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी हम बार बार कहते हैं, हम अपने लेवल पर या सरकार अपने लेवल पर जो है इन सभी मुद्दों को उठाए भी जाते रहे हैं, लेकिन किसानों के फायदे के लिए या हम देखें ये सब जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं यहाँ पे प्रॉपर टेक्निक के साथ प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ जो है एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए। आज के चैप्टर में हम इतना ही करेंगे, हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, बहुत बेसिक चीज़ें हमने स्टडी की हैं। आई होप आपको सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा अच्छे से, और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स को आप यूज़ करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, डू सब्सक्राइब, थैंक यू।